नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल में लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत करेंगे चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार के साथ। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की भी तस्वीरें, तमाम तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। चुनाव प्रचार में कहीं नेताजी वोटर की ताल से ताल मिला रहे हैं, तो कहीं लाठी के सहारे वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। आप भी देखिए अब की बार का ये अनोखा प्रचार। चुनावी बयार है, प्रचार धुआंधार है। प्रचार के ये धूमधाम वाली तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई है, जहां बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना के नए नवेले नेता गोविंदा ने अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। गोविंदा कोल्हापुर से महायुति के उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे। जनसभा के दौरान पब्लिक डिमांड पर राजा बाबू ने जमकर ठुमके लगाए। गोविंदा का ये प्रचार नंबर वन देखकर सभा में पहुंचे लोग भी झूम उठे। इसी बीच पश्चिम बंगाल के वर्धमान में प्रचार का एक अलग ही अंदाज नजर आया। पश्चिम बंगाल की वर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष सड़कों पर लाठी लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकले। लाठी टेकते टेकते दिलीप घोष इलाके के घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आए। नेताजी के वोट मांगने का ये निराला अंदाज देख वर्धमान के लोग भी हैरान रह गए। इधर वर्धमान में लोग हैरान हुए और उधर बिहार के काराकोट में नेताजी परेशान हो गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि काराकट में भोजपुरी सुपरस्टार और नए नेता पवन कुमार रोड शो कर रहे थे। इसी बीच नेताजी का एक मुरीद उनके साथ सेल्फी लेने कार पर चढ़ाया, लेकिन सेल्फी लेते लेते जनाब नीचे फिसल गए और इसी उठापटक में नेताजी की कार की शीशे तोड़ बैठे। अब बेचारे नेताजी फंस गए। शीशा टूटने का मलाल तो था, लेकिन चुनावी सभा में वोटर को मनाने का ख्याल ज्यादा था। सो कार के चटके शीशे को भूल वापस जनता जनार्दन को रिझाने में जुट गए। ठीक वैसे ही जैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने प्रचार का एक अलग ही तरीका निकाल लिया है। चुनाव की व्यवस्था के चलते तिवारी जी शायद मॉर्निंग वॉक का वक्त नहीं निकाल पाते होंगे, सो उन्होंने मॉर्निंग वॉक को ही जनसंपर्क का जरिया बना लिया। अब चंडीगढ़ में सुखना लेक के किनारे सुबह जब नेताजी वॉक करने निकलते हैं, तो साथ ही वोटर से चुनावी टॉक भी कर लेते हैं। यानी मॉर्निंग वॉक और चुनावी टॉक साथ साथ हो जाती है, यानी फिटनेस की फिटनेस और प्रचार का प्रचार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धुआंधार प्रचार के साथ साथ मैदान चुनाव में अब ज्योतिष वाला दाव की एंट्री हो चुकी है। आगे तीन चरण के नॉमिनेशंस के लिए नेता और पार्टियां शुभ मुहूर्त की तलाश कर रही हैं। ज्योतिष के हिसाब से किसी काम को ग्रह नक्षत्रों की गणना के मुताबिक सही वक्त पर करने से उसके कामयाब होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन ये तो ज्योतिष का हिसाब है, चुनावी सियासत का हिसाब किस गणित के साथ बैठेगा या होगा ये वास्तव में वोटर तय करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है चुनावी शुभ लाभ का ये पूरा मामला। नॉमिनेशन का योग बनाएगा जीत का संयोग। नामांकन होगा शुभ तो चुनाव में होगा लाभ। ये हम नहीं कह रहे बल्कि हम ये सुन रहे हैं, और हम ये सुन रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे चुनावी जंग जजमेंट डे की तरफ बढ़ रही है, माहौल में कुछ ज्यादा ही तेजी आती जा रही है। सियासी युद्ध की धार तेज, नेताओं की तकरार तेज, धुआंधार प्रचार तेज, गर्मी की मार तेज और जीत की तरकार तेज।
और इसी जीत को पाने के लिए नेता नगरी में अब हर नुस्खा आजमाया जा रहा है। तभी तो मैदानी चुनाव में तर्कश के तमाम तीरों के साथ ही अब ज्योतिष अस्त्र वाले दांव की एंट्री भी हो चुकी है। आमतौर पर चुनाव के दौरान अधिकतर पार्टियां शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन इस समय नामांकन को शुभ बनाकर चुनावी लाभ लेने की जुगत चल रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के पांचवें और छठे चरण के नामांकन जारी है और इसके बाद सातवें की बारी है। ऐसे में नामांकन से पहले नेता और पार्टियां तिथि और शुभ मुहूर्त की तलाश में हैं। अब आने वाली तारीखों में नामांकन का शुभ मुहूर्त वोटिंग पर कितना असर डालता है, इसका जवाब तो सिर्फ ज्योतिष के जानकार ही दे सकते हैं। देखिए, वैसे इस बार नियमता तो मनुष्य के जीवन में किसी कार्य को करने के लिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा वलम चंद्र वलम तदेव, तो जो तारा बल हमारे यहाँ कहा गया है जीवन में उत्थान के लिए किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए, तो गुरु और शुक्र के अस्त होने से किसी भी उम्मीदवार को बहुत ही इस बार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहों का बल मिलता है वह बल उसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब चुनाव आयोग ने तिथियां निर्धारित की हैं तो आपको नामांकन करना है, तो ऐसे में कुछ शुभ मुहूर्त हमारे यहाँ हैं जिन मुहूर्तों में बताया गया कि इन मुहूर्तों में अगर आप अपना नामांकन पत्र भरते हैं, अपनी दावेदारी करते हैं, तो उन नक्षत्रों के शुभ फल से आपको और आपके कर्मों के प्रभाव से विजयश्री मिल सकती है। 20 मई को होने वाले पांचवें चरण के मतदान के लिए नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल को हुई थी, जो 3 मई तक जारी रहने वाला है। इसी तरह 26 मई को छठे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की शुरुआत भी 29 अप्रैल को हुई और 6 मई तक चलेगी। ऐसे में छठे चरण का नामांकन खत्म होने से पहले कौन कौन से मुहूर्त शुभ हैं, ये जानना नेताओं के लिए जरूरी हो जाता है। 1 मई को बैसाख अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, तो हमारे यहाँ अष्टमी और प्रतिपदा रिक्ता तिथि मानी जाती है, कोई उसका विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन शुभ योग होने से उस दिन भी नामांकन का एक योग बन रहा है। वैसे तो संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ प्रतिपदा अष्टमी को बंद रहते हैं, लेकिन विद्या धारण के लिए है, लेकिन यहाँ तो विजय यात्रा के लिए है, तो 1 मई का मुहूर्त भी शुभ है। 2 मई का जो मुहूर्त है चंद्रमा की दृष्टि से, कि चंद्रमा का बल देखा जाता है तो वह बहुत लाभप्रद नहीं है। वही बात अगर सातवें चरण की करें तो इसके लिए चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए 7 से 14 मई तक की तारीख तय की है। बता दें कि आखिरी चरण में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे उम्मीदवारों में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरी चरण के नॉमिनेशन के लिए एस्ट्रो एक्सपर्ट कौन सी तारीखों को जीत का ट्रंप कार्ड बता रहे हैं। 7 मई का जो मुहूर्त है वो बहुत सुंदर है, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। 8 मई के मुहूर्त में सौभाग्य योग है, हम हर चीजों में कामना करते हैं कि हमारे कार्य में हमारी चमक बनी रहे, उस अनुसार से 8 मई का मुहूर्त भी बहुत सुंदर है। 9 मई का मुहूर्त भी बहुत सुंदर नहीं है। अगर बैसाख के महीने में पूर्ण रूपेण अगर दृष्टि से देखा जाए ज्योतिष के प्रभाव से, तो 10 मई का मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त है, क्योंकि उस दिन भगवान के परशुराम अवतार का जयंती है, जन्मोत्सव है, और अक्षय तृतीया का परम पावन पुण्य पर्व है, तो उस दिन बिना पूछी शायद कही जाती है कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, तो अक्षय तृतीया वैसा ही मुहूर्त है कि उस दिन का जो मुहूर्त है किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवधान नहीं है, उस दिन का मुहूर्त सर्वोपरि है बैसाख के महीने में। उसके अलावा आपके यहाँ 13 मई को भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है, फिर पुख्य नक्षत्र है, वह मुहूर्त भी अच्छा है, उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 1:43 के बाद का ही मुहूर्त उस दिन का है। और 14 मई का आखिरी मुहूर्त उस दिन गंगा सप्तमी है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से आखिरी चरण के नॉमिनेशन के लिए 10 मई का मुहूर्त सर्वोत्तम है। शायद यही वजह है कि वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय 10 मई को ही नामांकन भरने जा रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की तारीख पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे ज्योतिष के जानकार शुभ मुहूर्त तो बताते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि केवल शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन दाखिल करना ही जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि जीत की गणना पर उम्मीदवार की राशि और कुंडली में ग्रह दशा और योग जैसे कई बातों का भी असर होता है।
यह इतने मुहूर्त हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय हैं, इनमें आप अपनी राशि के अनुसार और अपने हिसाब से देख करके अपना नामांकन करें। शुभ मुहूर्त है लेकिन राशियों का असर भी पड़ता है, दिनों के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, कौन से उम्मीदवार की कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन से नक्षत्र का उसका जन्म है, उसका भी असर लोग देखते हैं, तो वह तो उम्मीदवार की कुंडली देखने के बाद पता लगता है, लेकिन सामान्यतः यह मुहूर्त जो मैंने बताए हैं यह सर्वमान्य है। इसका असर जितना भी हो लेकिन आमतौर पर सारी पार्टियां शुभ मुहूर्त और अपनी अपनी सियासी सहूलियत देखकर अपने उम्मीदवारों का नामांकन भरवा रही है। अब मैदानी चुनाव में ज्योतिष वाले दांव का लाभ कितना मिलता है ये 4 जून की तारीख ही बताएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए ज्योतिष गणना और सियासत के बाद अब बात विरासत की कर लेते हैं। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं, ऐसे वक्त में आज हम आपको भारत में लोकतंत्र के पहले पर्व की निशानी दिखाने जा रहे हैं। वो बैलेट बॉक्स जिसका इस्तेमाल देश के पहले आम चुनाव में हुआ था, वो बैलेट बॉक्स जिसने भारत के नवजात लोकतंत्र की किलकारियां सुनी हैं, वो बैलेट बॉक्स कभी जिसमें पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की सियासी किस्मत कैद हुई थी। आइए आपको बताते हैं क्यों इतना खास है ये विंटेज बॉक्स। अनोखा है और ऐतिहासिक है, लगभग 75 साल, सोचिए 75 साल पुराना ये बैलेट बॉक्स है और इस समय मैं इसे देख पा रहा हूँ, मेरे नजरों के सामने है ये और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, गोदरेज अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये बैलेट बॉक्स भी उतना ही पुराना है जितना कि गोदरेज कंपनी शुरू हुई थी। आपको बताएं कि इतने मजबूती से इसे बनाया गया है, पूरा का पूरा स्टील से ये बना हुआ है और अगर मैं इसे उठाना चाहूँ, इसका जो वजन है लगभग मुझे लगता है 2.5 से 2.5 किलो का ये वजन है और सोचिए 75 साल पुराना है लेकिन आज भी कितना ये मजबूत दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ अब लॉक नहीं है लेकिन उस समय लॉक हुआ करता था और ये जो आगे का पार्ट है, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस आगे पार्ट में जिस भी पार्टियों को ये दी जाती थी वो अपना लोगो या कह सकते हैं कि प्रोफाइल जो पोस्टर है वो लगा लिया करते थे। सिर्फ इस तरह के बैलेट बॉक्स ही नहीं बल्कि आप यहाँ भी देखें कि कंप्यूटर है और उस जमाने का टाइपिंग होती थी इसमें और देखिए लिखा है प्लीज डू नॉट टच। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये सालों पुराने ऐतिहासिक चीज़ें गोदरेज कंपनी ने जो है अपने एग्जीबिशन सेंटर में जो भी इन्हें सेफ लगा वहाँ छुपाए रखा है। और चलिए सीधे मैम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बैलेट बॉक्स एक्चुअली हमें मिला था गोदरेज की जो पुरानी फैक्ट्री है लालबाग में मुंबई में, मतलब 1897 में वहाँ पे एक्चुअली गोदरेज ने लॉक्स के साथ शुरुआत की थी। तो वहाँ पे एक्चुअली हम जब आर्काइव्स का निर्माण हुआ 2006 में तो हम वहाँ पे गए थे कुछ पुराने अगर वहाँ पे दस्तावेज है तो वो देखने के लिए, तब हमें ये बैलेट बॉक्स वहाँ पे मिला था और हम यहाँ पे लेके आए थे आर्काइव्स के डिपार्टमेंट में ताकि हम उसे संभाल के यहाँ रख सके ताकि आगे की जो जनरेशन है तो वो उसे देख पाए और वो इतिहास उनको समझ में आए कि ये कैसे शुरू हुआ। जी अच्छा, ये मुझे लगता है ये एक बैलेट बॉक्स हमारे पास है, बाकी आपको कुछ पता है देश में और भी कई जगहों पर रखा गया है? नहीं, मुझे इसकी एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है कि और कहीं जगह पे होगा, पर आई थिंक कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर हो तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा अगर वो मिले, पर हमारे पास उनकी सिर्फ दो मतलब दो बैलेट बॉक्सेस है, जो एक ऑफकोर्स अपने डिस्प्ले पे देखी है और एक हमारे रिपोजिटरी में हमने संभाल कर रखी है। लगभग 1951-1952 में पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था देश आजाद के बाद, उसके बाद पहला काम ही गोदरेज कंपनी को मिला जो पीटियां हैं बनाने का, बैलेट बॉक्स बनाने का बहुत बड़ा काम और आज तक आपने इसे जो है सवार कर रखा है, कितना किस तरीके से संभाला जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ है। गोदरेज आर्काइव्स में एक्चुअली हमारे
कुछ मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी है। सो जब एक्चुअली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट और पुराने दस्तावेज आते हैं तो उसका हम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर हमारा जो एक डेटाबेस है उसमें उसकी सब जानकारी डालते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या उसकी कुछ मरम्मत करने की आवश्यकता है तो हमारा एक कॉन्जर्वेशन लैब है, तो वहाँ के जो कॉन्जर्वेटर्स है वो उसको देखते हैं, अगर उसमें कुछ मतलब उसमें मरम्मत करने की अगर आवश्यकता है तो उसकी मरम्मत की जाती है और फिर वो ठीक से हमारी जो रिपोजिटरी है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट है ये सब चीज़ें रखने के लिए, तो वो वहाँ पे एक्चुअली हम रखते हैं ताकि और कुछ उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए उसमें। और उसके बाद हमारे पास डिजिटाइजेशन लैब भी है जो हम बाकी सारी ये पुरानी चीज़ें जो डिजिटली हम प्रिजर्व करने की भी कोशिश करते हैं ताकि डिजिटली ये बाकी लोगों के लिए एक्चुअली हम भी दे पाए या उनको इन्फॉर्मेशन और जानकारी उसके बारे में मिले, तो बस ऐसे हम संभाल रहे हैं। सालों पहले जब पहला चुनाव हुआ था तो अचानक से ही ये तय किया गया कि भैया बैलेट बॉक्स बनाना है, सिर्फ गोदरेज ही नहीं और भी बहुत सारी दूसरी कंपनियां थी जिसे काम करने के लिए दिया गया, लेकिन वो लोग समय पर पूरा नहीं कर पाए, फिर वो भी लोड गोदरेज कंपनी पर आ गया था और जानकारी ये है कि भाई तीन तीन शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया गया। मैम उस समय कितने लाख बॉक्स बनाए गए? एक्चुअली कुल मिलाकर जो हमें एक एडवर्टीजमेंट से पता चला 12.83 लाख बैलेट बॉक्सेस हमने बनाए थे और फिर 23 राज्यों को उसका सप्लाई हुआ था रेलवे वैगन्स की तरीके से, पर आई थिंक उसके ज़्यादा भी हमने शायद 13-15 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए होंगे, क्योंकि थाने वाला जो तब प्लान मैनेजर थे उनसे जब हमने बात की थी तब उन्होंने हमें एक्चुअली ये कहा था कि शायद हमने 13-15 लाख बैलेट बॉक्सेस तब बनाए थे। और जैसे आपने कहा कि और भी कुछ कंपनियां थी, वो भी हमने थाने वाला से ही पता चला और फिर बाद में हम जब फिल्म्स डिवीजन गए थे तब वहां पे एक्चुअली उनकी डायरेक्टरी में भी वो दो कंपनियों का नाम हमें मिला था जिन्होंने बैलेट बॉक्सेस का जिनको ऑर्डर मिला था, पर बाकी मतलब आपने जैसे जानकारी ऑलरेडी दी है उसका वो ऑर्डर्स भी बाद में क्योंकि वो कुछ चीज़ों की वजह से नहीं पूरा कर पाए थे तो वो गोदरेज ने पूरा ऑर्डर फिर कर दिया था, क्योंकि समय पे बैलेट बॉक्स बनाना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो इसलिए वो पूरा मतलब जिम्मेदारी से वो काम करके वो पूरा हमने ऑर्डर बनाया था। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के गोदरेज कंपनी में और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ, धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। देखिए चुनाव से ठीक पहले नेता जहां प्रचार में जुटे हैं तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में जुटा है। पिछले दो चरणों में वोटिंग परसेंटेज में आई कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटर्स में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। शहर शहर वोटिंग अवेयरनेस के लिए कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। रहे हैं स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को 25 मई भूल ना जाना, वोट डालने आने को। मीठी मनुहार है इन दो वाक्यों में जो शादी ब्याह के हर निमंत्रण पत्र में सबसे ऊपर बेहद प्यार से लिखी जाती है। अब की बार ये मनुहार लोकतंत्र के उत्सव के लिए आई है और ये निमंत्रण पत्र है हरियाणा के 1,98,00,000 वोटर्स के नाम। हरियाणा के चुनाव आयोग ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए ये अनोखा निमंत्रण पत्र बनाया है। ये इनविटेशन कार्ड बिल्कुल शादी के निमंत्रण पत्र की तर्ज पर तैयार किया गया है। वोटर्स के लिए बनाए गए इस कार्ड में बिल्कुल वैसी ही भाषा लिखी गई है जैसी हमारे यहाँ आमतौर पर विवाह के निमंत्रण पत्र में लिखी जाती है। कार्ड पर लिखा गया है, प्रिय मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के मंगल उत्सव की पावन बेला पर मतदान करने हेतु आप निमांकित दिवस और समय पर सादर आमंत्रित है। सुंदर संदेश के साथ ये हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा ये निमंत्रण पत्र है, लगभग 50 लाख लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग है वो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस कार्ड पर उम्मीदवार और पोलिंग बूथ से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करने के लिए QR कोड दिए गए हैं।
जबकि कार्ड की दूसरी तरफ वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई है। इस कार्ड के जरिए चुनाव आयोग ने हरियाणा के सभी वयस्क नागरिकों से मतदान करने की अपील की है। ये अनोखा वेडिंग इनविटेशन कार्ड न केवल हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये कार्ड खूब वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।